चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस देखो यहाँ एक फाउंटेन बनाया हुआ है भाई, पानी बहुत गंदा है ये देखो, और उसमें केव्स भी है। तो चलो अंदर चलते हैं। देखो यहाँ ये केव टाइप का है, आदिवासी वाला थोड़ा भाई। अभी मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ का कंस्ट्रक्शन। और एक सेकंड रुको, दिस प्लेस वॉज नॉट कम्प्लीटेड टोटली, सो भाई क्या तो भाई ये कुछ ऐसा था केव्स। अरे अभी पूरा बचा है भाई, अभी आधा भी नहीं घूमे, देख रहे हो ये बंदा। हाँ आधा घूम लिया, सॉरी आधा ज्यादा घूम लिया। ये भाई सीढ़ी है, 10% बचा है। और सामने देखो कुछ है, चलते हैं वहाँ। तो गाइस देखो ये भी एक मंदिर है, आई थिंक सो शिव मंदिर टाइप का लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच में एक शिवलिंग टाइप का, लेकिन शिवलिंग नहीं है यार, पता नहीं किस चीज़ का है। और पीछे से धूप आ रहा तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। और भाई जो भी बनाए हैं अच्छा बनाया है यार। तो गाइस इतना सारा मैं घर दिखाया, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग घर दिखाता हूँ, पूरा मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है। ये देखो ये प्रॉपरली पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और भाई जरा देख सकते हो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है ये, बट पास से दिखाता हूँ। एक धूप लगता है, तो भाई लकड़ी तो जान रहे हो कि समय के साथ ख़राब होता है, बट भाई देख रहे हो घर, मतलब सच बताऊँ ना तो लोगों को घर, अपने घर से कितना लगाव रहता है ना, वो ये चीज़ देख के लग रहा है कि कितना लोग मतलब इस पर मेहनत किए होंगे बनाने के लिए। और भाई रहता था, और ये उसका बैकयार्ड का है, देखो पीछे भी एक घर है बट वो मॉडर्न स्टाइल है। मतलब पूरे मुक्तांगन में यही एक घर हमें दिखा जो प्रॉपर लकड़ी का है, और इसका छत भी लकड़ी का है। देखो बैक में ये नींबू का पेड़ है, अनार का पेड़ है भाई, अनार फड़ा है क्या, एक हाथ तोड़ते हैं, नहीं है भाई छोड़ो। हाँ तो भाई ये शेर है या बिल्ली है बताना मुझे, शेर है और ऊपर से जो चीता चढ़ता है ना वो वाला। अच्छा चीता है, और चलो और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो भाई इतना सारा घर दिखा चुका हूँ, एक घर और दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अलग टाइप का घर है। अलग टाइप का मतलब आसमान में उड़ने वाला घर नहीं है। ये देखो देखो सामने में ये दो ठो घोड़े हैं, और ये कुछ अंदर से घर है भाई, घर हो तो लिटरली मतलब सीरियसली घर हो तो ऐसा, देख रहे हो बीच में एक पेड़। मुझे पता है मुझे मतलब सिटी एरिया से लगभग नफरत हो गया, मुझे गांव वगैरह ज़्यादा पसंद आता है जब से मैं अपनी मौसी के घर से आया हूँ तो। और भाई दरवाज़ा देखो भाई, आज के डेट में इस दरवाजे की कीमत अराउंड भाई 20-22 हज़ार रुपये तक आपको लग जाएगा अगर ऐसा वो दरवाज़ा बनवाओगे तो। और देखो ये पेड़ है, उस पर वो बैट लटक रहा है, बैट मतलब चमगादड़। हाँ और गाय वगैरह है, देखो वो खल है जिसमें चावल कूटते हैं, हाँ ढेकी खल, सॉरी वो छोटा एक, सॉरी खल वो छोटा सा एक रहता है हमारे हम लोग के घर में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं चावल वगैरह मतलब अदरक वगैरह कूटने के लिए। तो चलो और आगे चलते हैं। तो भाई देखो मैं उस घर को बोल रहा था लास्ट दिखा रहा हूँ, बट एक घर और दिखा रहा हूँ, ये भी लकड़ी का, ये बांस का बना हुआ है प्रॉपर, मतलब देखो वहाँ पर वो बैठने वगैरह के लिए। और चलो पास से दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों का टिफ़िन वगैरह टांगा हुआ है, देखो ये बैठने के लिए है, ये शायद यहाँ के लोगों के लिए बनाए होंगे। और ये देखो भाई प्रॉपर बांस का, एक दरवाज़ा को पैक कर दिया गया है, एक ताला लगा हुआ है तो अंदर हम लोग जा नहीं सकते। और देखो ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है घर भाई, अगर तुम्हें यहाँ आना है ना भाई और बहन दोनों, अगर आप लोग को यहाँ आना है
तो मैं इस जगह का गूगल मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो कहां पे है ये। तो गाइस देखो, मैं 8th क्लास में पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया, एक्चुअली इसे देख के मैं भूल गया क्या मतलब छत्तीसगढ़िया का एक लोक नृत्य में ही आता है इसे। देखो जो ये सामने ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये बैम्बू से बनता है, मतलब बांस से, और उसके ऊपर पैर रख के लोग चलते हैं, और एक तो भाई डांस भी करते हैं, तुम यकीन नहीं करोगे। और बस आगे कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स और हैं। तो देखो ये सेकंड वाला भाई कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। मैं देखता हूँ, अगर मुझे विकिपीडिया में कुछ दिखता है तो मैं लिख दूँगा, तुम पढ़ लेना। और अरे यार पूरा कीचड़ है पानी से। ये देखो ये आई थिंक सो ढोल वगैरह, ये एक तो ढोल रखे हैं, बाकी सब का पता नहीं आ रहा, हाथ में केवल स्टिक दिख रहा है। और देखो बैक में भी इतना सारा है, यहाँ भाई विजिट कर सकते हो छत्तीसगढ़ का, मतलब हिस्ट्री बहुत सारा हिस्ट्री इसमें बताया गया है, पीछे वो योगा वाले जो हम गए थे। तो पूरा घूमते घूमते थक गया यार, और इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।